हेलो, गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हो आप सभी। तो अपन वापस भोपाल तो आ गए, खूब मस्ती कर करा के खूब इंजॉय किया, बढ़िया गांव में जाके बढ़िया ब्लॉग से इतना देखे हैं तो वो तो समझ ही गए कि कितनी मस्ती कर ली हमने, नहर में डूबे जितना भी किया कब। खैर अपन चल रहे हैं वापस कॉलेज, क्योंकि अभी चल रहे हैं कॉलेज में बच्चों को बुलाया जा रहा है, क्योंकि अब ट्रेनिंग का टाइम आ चुका है। इट मीन्स कि आप सेवन सेमेस्टर के स्टूडेंट बन चुके हैं। अब कॉलेज में प्रोसेस भी चल रहा है कि भैया एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे बच्चे आए जा रहे हैं, और कई लोग तो इनफैक्ट पर्सनली मुझसे ही पूछ रहे थे कि भैया कॉलेज में क्या क्या होता है और थोड़ा एक्सप्लोर करो वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा चलो लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो आज मैं आपको पूरे कॉलेज का ब्रीफली तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी पहले मैं चलता हूँ कॉलेज, जरा अपनी पहले क्लास वगैरह अटेंड कर लीजिए, फिर उसके बाद अपन इस बारे में बात करते हैं। ओके चलो। आ चुके हैं कॉलेज से वापस, मतलब अपन चल रहे हैं घर की तरफ, फोन कर रहे हैं। और हालत देख रहे हो कैसी हो रही है, मतलब एकदम बाल वाल कैसे, ये क्या है, हवा चल रही थी ना तो उस वजह से पूरे के पूरे बाल वाल मतलब बिखर से गए हैं एक तरीके से, ऐसा कहूँ तो। खैर ठीक है, पहले घर चलते फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं अपन इस वाले टॉपिक के बारे में, ठीक। थोड़ी देर और वेट करो बस, कुछ बात करते हैं। तो भाई हाँ, तो बाल बाल सब ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा हूँ, जहाँ तक थोड़ा बहुत दाढ़ी वाड़ी मुझे पुष्पस्ट है। हाँ तो यार वो आज का टॉपिक है बेसिकली कॉलेज से रिलेटेड, मतलब कि कॉलेज का एडमिशन आपको अगर लेना है तो कैसे लें, या फिर कोई भी कॉलेज अगर आपको चूज़ करना है तो वही कॉलेज क्यों चूज़ करें, या फिर कॉलेज को चूज़ कैसे करना है। तो एक्चुअली मैं बहुत बाहर तरफ बैठा हूँ, मतलब बरामदे में बैठा हूँ, तो क्या है यहाँ से थोड़ी बहुत मतलब गाड़ी वगैरह की आवाज़ आती रहेगी, तो थोड़ा सा फोकस करना कि हाँ बस मेरे शब्दों पर फोकस करना, बस बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों पर कुछ भी फोकस मत करना। हाँ सही कहा तुमने, बिल्कुल थोड़ा तेज चिल्लाना पड़ेगा मुझे। हाँ तो काके बात ये है, शुरू करते टॉपिक। बेसिकली कैमरा थोड़ा सेट कर लूँ मैं अच्छे से, थोड़ा बेटर है, फार बेटर। तो देखो भाई, मैंने लिया बंसल कॉलेज और इस साल मेरा फोर्थ ईयर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मेरा जो बेसिकली बंसल कॉलेज लेने के पीछे की जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी है, कोशिश करना कि आप एंडिंग तक सुनने की कोशिश करना। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो वीडियो को, और अगर नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिसलाइक करके मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। इसमें इस जो स्टोरी है इसमें आपको ये भी जान लेना होगा कि भैया किस तरीके से आप कॉलेज जब लेते हो तो आपको क्या क्या पॉइंट्स आपने दिमाग के अंदर रखने होंगे, किस तरीके से हमको कॉलेज सिलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज हमारे लिए सही है, और कौन सा कॉलेज हमको खुद बना रहा है कि भैया ये कॉलेज मतलब फेक रहा है, कि मतलब कैंपस बहुत अच्छे देता है या फिर बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स हैं यहाँ के, जो फेंकने में बहुत सारे कॉलेज बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं स्टोरी। बेसिकली ट्वेल्थ क्लास तक आते आते हम लोग बहुत ज़्यादा शर्मो हयास एक तरीके से लिपटे हुए रहते, ट्वेल्थ क्लास में हम लोगों के पास कोई इतना ज़्यादा वो नहीं रहता, हम बहुत सीधे साधे रहते बच्चे ट्वेल्थ क्लास में निकलने के बाद, क्योंकि पेरेंट्स वही डांट पटकार से भैया पूरी तरह से बच्चों को बड़े लाड प्यार से संभाल के रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है ट्वेल्थ क्लास के बाद टाइम आता है अपना क्या, IIT JEE का, ठीक है। जो लोग सिटीज़ वगैरह में रहते हैं वो लोग तो IIT JEE के बारे में जानते हैं, कुछ लोग जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उन लोगों को तो IIT JEE के बारे में पता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस बारे में थोड़ा जानते हैं। कुछ लोग रूबरू रहते हैं लेकिन वो उस चीज़ में इंक्लूड नहीं होना चाहते, उनको ये लगता है कि हाँ भाई हमारे पास प्राइवेट कॉलेज आ जाएगा और फिर उसके बाद हम अच्छे बढ़िया 20-30 लाख का पैकेज ले लेंगे। कुछ लोग जैसे कि मेरे जैसे हैं, मैंने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया था लेकिन मेरा नहीं निकला, हो सकता है कि भाई वो मेरा 0.5 मार्क्स से रह गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैंने सोचा कि यार मैं एक साल बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि एक्चुअली मैं मेरे कुछ दोस्त अभी भी ऐसे हैं जो लगे हुए हैं, 3 से 4 साल हो चुके हैं उनको और अभी भी वो उनका निकल नहीं पाया। तो वो ये सोच रहा है कि भैया हम IIT JEE क्रैक करने के बाद ही हम अपने बेटर गवर्नमेंट या फिर हम गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना, भैया हमको JEE से IIT ही चाहिए, अदरवाइज हमको कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम करते चलो जब तक हम तुम्हारे सीनियर बन जाते हैं, तो हम बन गए आज के टाइम पे सीनियर। तो भाई देखो कॉलेज के बाद कॉलेज आने लगा, ठीक है। अब कॉलेज के लिए क्या है, मेरे पास कॉल आया बंसल की तरफ से कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात है, हम लगा रहे हैं कम्युनिकेशन का कैंप और आप अगर आना चाहें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन हम फ्री में सिखा रहे हैं तो भैया कोई चार्ज नहीं देना आपको। तो मुझे लगा कि यार चार्ज नहीं देना किसी चीज़ के लिए तो क्या टेंशन लेना, चार्ज नहीं देना मतलब बिंदास रहो, सीधा सीधा बस चलो जैसा है मौका है
लपेट लो, फ्री में तो वैसे भी कोई चीज़ अगर मिल रही हो तो गलत क्या उसमें। Boy. नहीं पता था कि शायद कुछ तरीके से, एक तरीके से आपको एट्रैक्शन के लिए या फिर एडमिशन के लिए कोर्सेज में इस तरीके से आपको बुलाया जाता है कि भैया बात कुछ और है लेकिन उसके अंदर का पॉइंट कुछ और ही चला हुआ है। ठीक है, मैं कम्युनिकेशन के लिए गया तो वहाँ पर पहले दिन तो मुझसे ये बोला गया कि नहीं बेटा आज नहीं है, नेक्स्ट डे से आपका कैंप चालू होगा या फिर नेक्स्ट डे से आपका जो बैच है वो चालू होने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा और वेट कर लेते सही। तो एक दिन बाद फिर हम वापस गए तो भैया पूरा कॉलेज वगैरह हम लोगों ने देखा अच्छे से और कम्युनिकेशन वगैरह क्लासेस लग रही थी, उसमें एप्टीट्यूड वगैरह क्लासेस लग रही थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब हमें सीखने को मिल रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि 12th क्लास तक हमने सीखी तो है लेकिन कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते कई की बार। तो वो छोटी छोटी ट्रिक्स भी हम लोगों को सिखाई गई, कम्युनिकेशन का भी सिखाया गया, एटिकेट्स वगैरह सिखाया गया किस तरीके से किसी टाइम पर अगर आप होटल वगैरह में चले जाते हो तो कैसे बिहेव करना है या फिर किस तरीके से आपको बोलते ना फॉग वगैरह से काटा पेटी करना है जो भी रहना है। तो वो सभी चीज़ें हम लोगों को सिखाई गई थी एक तरीके से बोलूँ ना तो वो मस्ती वाला टाइम बसी होता हूँ। तो ट्रिप वगैरह पर भी लेकर जाया गया भैया, हम उस टाइम पर ट्रिप गए थे भोपाल के मानव संग्रहालय में और भी अच्छी अच्छी जगह गए थे। तो इतनी सभी जगह पर जाते जाते हमें ये लगने लगा कि हाँ भैया कॉलेज बहुत अच्छा है और मतलब घुमारा भी रहा है। तो हमें लगा कि भैया अब हम जब एडमिशन ले लेंगे तो हमें तो पूरी दुनिया पर घुमाते रहेगा, हमें ऐसा लगा कि हमें ऑस्ट्रेलिया अमेरिका वाली जैसे टूरों पर घुमाने ले जाएगा। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ जस्ट अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ताकि आप एडमिशन के लिए और ज़्यादा थोड़ा दिमाग में तरीके से इन्फ्लुएंस होने चालू हो जाओ कि हाँ भैया इसमें अपन एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद पॉइंट आता है कि टीचर्स लोग आपको पकड़ते हैं, फिर उसके बाद टीचर्स लोग बताते हैं कि बेटा सुनो ऐसा है कि हमारा जो कॉलेज है ना सबसे बेस्ट है, इतना बेस्ट है कि मतलब आप ना सोच नहीं सकते, आप ना IIT में चले जाओ ना तो IIT में वो पढ़ाई नहीं होती जो सिर्फ हमारे कॉलेज में होती है। तो मैंने कहा होती होगी शायद इसीलिए साहब आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, टीचर्स लोग वैसे भी हम लोग 12th क्लास से क्या रहता है, हम लोगों को स्पून फीडिंग करा दी जाती है तो हमें ये लगता है कि नहीं भैया टीचर्स जो बोल रहा है वही सब कुछ सही है बाकी सब गलत ही गलत है। तो मैंने मान लिया कि हाँ भाई आप सही बोल रहे होंगे, लेकिन एक पॉइंट मेरे मन में आ रहा था कि शायद ये टीचर हैं तो टीचर होने के नाते मतलब कहीं ये सिर्फ अपने कॉलेज का सिर्फ बड़ा चला कर तो नहीं बोल रहे, क्योंकि भोपाल जैसी जगह में आपके पास LNCT भी है, RGPB भी है, तो बन से लिए ऐसा क्यों। मेरा चॉइस था कि हाँ बस मैं किसी भी ऐसे कॉलेज में जहाँ पर पढ़ाई थोड़ी सी ऐसी होती हो कि मतलब मैं अपने पढ़ाई के लेकर थोड़ा सा सीरियसनेस रह सकूँ। ठीक है, तो उसी वजह से बंसल को चूज़ कर तो लिया था, 30% दिमाग में आ गया था कि हाँ भाई टीचर्स लोगों ने थोड़ा इतना हमारा बता दिया और टीचर्स लोगों ने एक चीज़ ये भी बोल दी कि भैया LNCT के बराबर हमारे कैंपस आते थे। तो अब मुझे लगा कि यार जब ऐसी बात है तो फिर तो कुछ बहुत बड़ी बात होगी। तो अब कहानी कहाँ आई कि इन लोगों ने सब कुछ बता तो दिया तो मेरे दिमाग में फुटता कि वही घूमने लगा कि यार मतलब बंसल बेस्ट है, बंसल बेस्ट है, बंसल बेस्ट है। लेकिन एक डर ये भी था कहीं मैं गलत कॉलेज चूज़ तो नहीं कर रहा, कोई टीचर्स जब इस तरीके से बोले तो शक होता है दिमाग में कि यार मतलब ये अपने क्यों बढ़ावा चढ़ावा कर रहा है, अपने क्यों बढ़ावा चढ़ावा कर रहा है, किसी और कॉलेज के बारे में बढ़ावा चढ़ाओ, और भी कॉलेज हो सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे बंसल के पॉइंट ऑफ व्यू से गया था, आप लोगों को हो सकता है शायद सागर वाले, ओरिएंटल वाले, ट्रिनिटी वाले, NRI वाले, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं प्राइवेट कॉलेज जो कि आपको इस तरीके से बोले कि बेटा हमारा कॉलेज बेस्ट है बाकी सब कॉलेज फुद्दू हैं, बेकार है, बकवास है, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जो कि आपको बता सकते हैं या फिर कुछ भी वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी की बातों में नहीं जाना बल्कि आपको मैं एक सरल तरीका बताता हूँ जो कि मैंने इम्प्लीमेंट किया था। वो पॉइंट ये था कि आपको उस कॉलेज के सीनियर्स लोगों से बात करनी है। देखो आप लोगों को जब कैंप वगैरह बुलाया जाता है तो आप लोग क्या करते हो कि सीधे सीधे भैया टीचर से इंटरेक्ट कर लेते हो और टीचर से इंटरेक्ट करने के बाद आप कहीं एक्स्ट्रा तरफ नजर ही नहीं डालते हो, मतलब कि सीनियर्स लोगों से कोई बात बात नहीं होती है या फिर सीनियर्स लोगों से आप लोग ये डर जाते हो कि भैया कहीं हमारी रैंकिंग वगैरह ना हो जाए, कहीं हमको ये लोग बेवकूफ़ ना समझे या फिर हम लोगों को एक तरीके से ऐसा कि मतलब यार बोलने बोलने के तरीके ऐसा लगता है वो बिमल विमल खाते रहते सीनियर्स वगैरह, तो ऐसा लगता है कि यार मतलब ये क्या कर रहा है, हमें तो इन लोगों से नफरत है वगैरह वगैरह स्टेप्स। लेकिन आप लोगों को एक्चुअली में ट्रू फीडबैक उस कॉलेज के बारे में वो सीनियर्स ही सिर्फ प्रोवाइड कर सकते हैं और वो ही सबसे बेस्ट पर्सन होते हैं। तो सीनियर से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है और उस कॉलेज के बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप निकाल सको वो सीनियर से आपको प्रोवाइड करेंगे। और इससे होता है ये कि भैया उस कॉलेज के बारे में पता चलता है, मैंने भी यही चीज़ पता करी थी और उसके बाद जितने भी सीनियर्स मिले थे उन्होंने सिर्फ यही कहा कि बेटा आप अगर बंसल में एडमिशन लेते हो तो आपको एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीरियसनेस दिखाई जाएगी कि हाँ भैया आप अगर सीरियस हो पढ़ाई को लेकर तो आप बंसल को एक तरीके से प्रायोरिटी दे सकते हो कि हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी है ना वो है पूरे तरीके से आपके एजुकेशन को लेकर। ठीक है, तो अगर आप फोकस करते हो आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कैंपस वगैरह में तो कैंपस वगैरह भी ठीक है। तो इस तरीके से दिमाग में भैया वहाँ सियोरिटी हुई कि हाँ कॉलेज भी अच्छा है। अब बात आती है भैया फीस वगैरह को लेकर, तो फीस भी थोड़ा सा क्योंकि भैया मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो कहीं फीस में कोई लोचा ना फंस जाए इस तरीके से।
तो फिर उसके बाद फीस वगैरह के बारे में जानने की कोशिश की, तो फीस भी ऐसी बताई कि यार मतलब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ एक तरीके से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई फिर उसके बाद। तो अब समझ में आ गया था कि हाँ भैया ये कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है और मैं मतलब सही डायरेक्शन में चला गया एक तरीके से। आप लोगों के लिए भी शायद यही चीज़ होगी, लेकिन आप लोगों को बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भैया कोई भी गलती या फिर कुछ गलत डिसीजन ऐसा मत लेना कि आप गलत चार साल बाद ऐसा कहो कि यार ये घटिया कॉलेज हो और मैं फंस गया। इसीलिए जितने भी फीडबैक वगैरह आपको लेने हैं तो वो सीनियर्स वगैरह से लो, टीचर्स वगैरह दे रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लो, लेकिन एक्चुअली में सीनियर्स वगैरह से बात करो, और कुछ साइट्स वगैरह तो उनके पास जाओ, यूट्यूब की मदद लो, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक तरीके से एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। कॉलेज एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मस्ती कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्त लोग बना सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना हो सके ना आपने 11th 12th में एक तरीके से मस्ती नहीं किया ना, वो मस्ती आप खुल के कर सकते हो। मतलब 11th 12th में क्या रहता है भाई, आपके पास सीरियसनेस रहती है, सीरियसनेस ऐसी वाली कि मतलब यार हमको तो IIT JEE क्रैक करनी है, और आप बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से निकल ही जाते हो कि यार मतलब कुछ है ही नहीं बाहर की दुनिया में, तो सब है जो है वो इसी दुनिया में कि हाँ हम JEE निकाल देंगे तो हम IIT पहुँच जाएंगे, IIT के बाद फिर हम सेटल हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में IIT करने वाले भी वही पढ़ाई करते हैं जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, ठीक है। बस फ़र्क इतना होता है कि JEE वाले जो रहते हैं, जो IIT वाले रहते हैं, वो लोग ऑलरेडी 11th 12th में इतनी फोकस कर चुके होते हैं कि भैया वो प्रैक्टिकल चीज़ों को पहले से सीख चुके होते हैं। बल्कि अपन लोगों के पास ये पॉइंट नहीं रहता, अपन लोग क्या करते हैं कि कॉलेज में आकर वो प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हैं। और एक और चीज़ बता दूँ, भले चाहे आप प्राइवेट कॉलेज लो तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि यार मतलब गलत कॉलेज ले लिया फिर वगैरह वगैरह, आपके पास एक पॉइंट है ना यार कि आप अगर और मेहनत करोगे ना तो उस मेहनत से आपका ये फ़ायदा होगा कि मतलब आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी तो सीखो ना, जैसे कि आप सी लैंग्वेज सीख सकते हो या फिर आप कोडिंग वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा सीखो एक्स्ट्रा, तो उसके बाद आपका कैंपस क्यों नहीं रहेगा। ज़्यादा से आपने कोडिंग सीखा तो उसके बाद फिर तो आप जानती हो कि आपके पास अभी एक तरीके से एक्स्ट्रा स्किल्स है, और एक्स्ट्रा स्किल्स कभी ख़राब नहीं होती, हमेशा बूस्ट अप ही करती है आपको। और ये था मेरा फीडबैक जैसे कि कॉलेज के बारे में, तो कॉलेज से मुझे बिल्कुल ठीक लगा। बंसल के बारे में बात कर रहा हूँ, एडमिशन लेना तो आप लोग टीचर्स वगैरह से या फिर जितने भी ऑनलाइन साइट्स हैं उनसे भी आप प्रेफर कर सकते हैं। एंड एनीथिंग एल्स, तो ये पॉइंट है कि यार मतलब क्योंकि मेरा फीडबैक था बेसिकली, खैर और बाकी सारे तो मैंने ब्लॉग्स में सब मस्ती वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, तो वो ब्लॉग्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं आराम से। और ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ एक चीज़ और कि यार जितना ज़्यादा हो सके उतनी कॉलेज मस्ती कॉलेज है ना पूरी तरीके से मस्ती में निकालना, लेकिन हाँ बस थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वो सीरियसली लेना। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जितना ज़्यादा मस्ती में निकालोगे उतना ज़्यादा तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे क्योंकि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर एक ऐसी सीरियसनेस होती है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फोकस करना पड़ता है, और अपने आप को एक तरीके से अंदर से झांकना होता है कि हाँ मेरे पास क्या स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं वर्क कर सकूँ। गर्मी बहुत हो रही यार, सॉरी। हाँ तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि एडमिशन लेने के लिए क्या क्या जरूरी होता है और क्या क्या पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने चाहिए। और अपने पेरेंट्स के साथ आएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि भैया पेरेंट्स को तो कुछ पता नहीं रहता एक तरीके से कॉलेज वगैरह के बारे में, आपको कॉलेज की किस तरीके से स्ट्रेटेजी होती है, आपको ही थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा और आपको ही थोड़ा सा अपने बारे में मतलब जानना होगा कि यार मतलब ये कॉलेज के बारे में थोड़ा रिसर्च करना होगा खुद से। अगर कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो आगे चल के आपको ही बेनिफिट देने वाला है। वरना क्या है कि कॉलेज वगैरह के बारे में पेरेंट्स को भी ज़्यादा पता नहीं रहता, पेरेंट्स को सिर्फ बस वो जो उनके फ्रेंड्स वगैरह वो बता देते हैं, और उनके फ्रेंड्स वगैरह तो आप जानती हो कि किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके पेरेंट्स को, जैसे कि अरे शर्मा जी का लड़के का तो उसमें कैंपस हो गया तो वो वाला कॉलेज बेस्ट हो गया, लेकिन एक्चुअली में क्या वो कॉलेज बेस्ट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी तो जानना होगा ना। इसीलिए थोड़ा रिसर्च करके भी जाएं जब भी आप कॉलेज की विजिट पे जा रहे हैं, और बाकी चीज़ें तो वहाँ के सीनियर्स वगैरह आपको अच्छे से बताई देंगे, ठीक है। आशीष देखना ज़रा। तो गाइस यार ये सारे पॉइंट्स थे मेरे जो मुझे लगा कि हाँ बताना ज़रूरी समझना चाहिए, और क्योंकि क्या है अभी के टाइम पे एडमिशन के टाइम चल रहे, और एडमिशन के टाइम पे कोई भी स्टूडेंट या फिर मेरा जो जूनियर भाई है अगर वो गलती से कोई भी गलत कदम उठा ले तो मैं नहीं चाहता कि वो गलत तरीके से आगे अपने आप को पोसता है ना, तो आप भी जानते हो इस चीज़ को। तो खैर वीडियो कैसा लगा कमेंट भी ज़रूर बताना, और भी जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कमेंट में बता देना ताकि उसके बाद मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। और टेंशन मत लेना, कमेंट में बता देना बेझिझक होकर, तो मैं आपकी उतनी से उतनी ज़्यादा हेल्प कर सकूँगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई मस्ती करते हुए, ठीक है, चलो बाय।